अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। सलमान खान एक ऐसी शख्सियत है जो हम सब जानते हैं, वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। लेकिन बात यह है कि उन्हें 5 साल की सजा मिलना और उनके साथ ये जो सुलूक हो रहा है ये होना, ये सही है क्या? पहलू खान को राजस्थान की सरकार इंसाफ नहीं दे पाई, उमर को नहीं दे पाई, अफराजुल को नहीं दे पाई, शंभू जो उनका कातिल है वो बाहर है, घूम रहा है, वीडियो बना रहा है, वो वही सरकार, वही जस्टिस के लोग, वही अदालत, वही कानून, वही जज सलमान खान को एक काले हिरन को मारने के लिए 5 साल की सजा देते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सलमान खान अकेले बंदूक लेके हिरन को मार रहे थे? क्या लाइट भी उन्होंने ही पकड़ी थी? क्या जीप भी वही चला रहे थे? क्या जंगल में अकेले रास्ता उनको पता था कि जंगल का रास्ता यह है? तो इसका मतलब उनके साथ बहुत सारे लोग थे, लेकिन सिर्फ सलमान खान क्यों? बहुत बड़ा मुद्दा है यह, सिर्फ सलमान खान क्यों? पहलू खान को इंसाफ नहीं, अफराजुल को नहीं, उमर को नहीं, लेकिन सलमान खान, वाह, टारगेट करके काले हिरन को इंसाफ मिल गया। यानी कि इंसान बन के पैदा होना जुल्म है, काला हिरन बन के पैदा हो जाओ तुम्हें इंसाफ जल्दी मिल जाएगा। नजीब की मां को इंसाफ नहीं मिला, और यही एक चीज हुई थी संजय दत्त के साथ, कि हथियार रखने के जुल्म में उन्हें 6 साल की सजा सुनाई दी गई थी और उन्होंने काटी भी। और यही सेम वो साध्वी जिसने एक शादी में फायरिंग करे थे, 4 लोग मारे गए थे, दंगे कराए, यही हमारे योगी जी, उनपे भी कई मुकदमे हैं हथियारों के, दंगे करवाने के। जस्टिस लोहिया जिनका खून हो जाता है, उनके कातिलों को ढूंढ नहीं सकते। दुर्गेश हमारी रिपोर्टर थी, उनको उनके घर में घुस के गोलियां मार दी जाती है, लेकिन उनका कोई भी कातिल पकड़ा नहीं जाता। वरना हिंदुस्तान की पुलिस और कानून ऐसा है कि अगर सुई गिर जाए ना तो ढूंढ लेते हैं। दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि क्या यह सही है जो कानून, अदालत और सरकार मिलकर सलमान खान के साथ कर रही है? जब एक सुपरस्टार, एक सेलिब्रिटी के साथ ऐसा हो सकता है, तो हम लोगों के साथ क्या होगा? एक आम इंसान के साथ क्या होगा? शंभू जो राजस्थान की पुलिस ने जिसे पकड़ा था, जिसने वीडियो बना के अफराजुल, एक मुसलमान को मारा था, उसको जिंदा जला दिया था, उसको छोड़ दिया गया है, वो राजस्थान में बाहर घूम रहा है, और राजस्थान के न्यायालय को यह बहुत बड़ा घमंड है कि उन्होंने सलमान खान को सजा सुनाई है। मैं कहता हूं थू है ऐसे न्यायालय पे, थू है ऐसे जज पे, थू है ऐसे कानून पे, और थू है ऐसी अदालत पे जो इंसाफ नहीं कर पाती। अब सोचना आप लोगों को है कि क्या यह सही हो रहा है हम लोगों के साथ? क्या अगर उनका नाम सूरज सिंह होता तो उन्हें सजा मिलती? क्या उनका नाम शंभू होता तो उन्हें सजा मिलती? नहीं मिलती। लेकिन उनका नाम सलमान खान है, ये बहुत बड़ा नाम है, वो जो भी हमारे भाई है यार, और इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है कि उनके प्रति दूसरे छोटे मुसलमानों को डराया जाए कि देख लो इसने हिरन मारा है तो हम इसको ऐसी सजा देते हैं, तुम्हारा क्या करेंगे? बल्कि मर्डर करने वाले छूट जाते हैं, बैंक के लूटने वाले छूट जाते हैं, दंगे कराने वाले छूट जाते हैं, लेकिन हिरन मार के 5 साल की सजा? 20 साल से उस आदमी ने इतने अच्छे अच्छे काम किए, 20 साल से बींग ह्यूमन की बात करते हैं। आज सलमान भाई देख लो, आप जो ह्यूमैनिटी की बींग ह्यूमन करते हैं, देख लो क्या हो रहा है आपके साथ। यह है देश की अदालत और देश की जनता। आज देश की जनता को रोड पर निकल के सलमान खान के लिए हर आदमी को एक वीडियो बना के थोक देना चाहिए, हर आदमी को। इंसाफ तो मिलने से रहा हम लोगों को, लेकिन कम से कम आंखें और कान तो खुल सकते हैं, या वो भी नहीं खुलेंगे। इस बात पे गौर करना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि एक हिरन को मार दिया है
तो 5 साल की सजा दे दी गई है, लेकिन इतने लोग मर गए हैं जिनके कातिलों को बिंदास घूमने दिया जा रहा है। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना मेरे यारों।